Hello guys, namaste, sat sri akal, adab, aap kaise hain? Aasha karti hoon ki aap sab bahut acche honge. Aaj main rase wali arbi banane ja rahi hoon. Iski recipe aapko de rahi hoon. मैं रसा वाली अरबी बना रही हूँ, उसकी रेसिपी आपको दे रही हूँ. गैस ऑन कर लेंगे. इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे. मैं सरसों का तेल ले रही हूँ. जब तेल जल जाएगा तो इसमें हम सब मसाले डालेंगे. इसके लिए मैंने आधा केजी अरबी लिया है, इसको उबाल कर काट लिया है. दो प्याज लिए हैं, उनको बारीक बारीक काट लिया है. 8-10 कलियां लहसुन की और 2 इंच अदरक का पीस लिया है, उसको भी बारीक बारीक काट लिया है. 2 टमाटर बारीक बारीक काट लिए हैं. 1 हरी मिर्च ली है, उसको भी बारीक बारीक काट लिया है. और ये मसाले लिए हैं, थोड़ी सी अजवाइन ली है, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च का लिया है. नमक स्वाद अनुसार, जितना भी आप लोग खाते हैं मसाले उसी हिसाब से आप तीखे या कम रख सकते हैं. तेल जल जाएगा तो हम इसमें अजवाइन और जीरा डाल देंगे. ये जब क्रैकल करने लग जाएगा इसमें प्याज डाल देंगे. अब हम इसमें प्याज डाल देंगे. प्याजों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे. थोड़े से गुलाबी हो जाएंगे तो इसमें हम इसमें जो अदरक लहसुन काट कर रखा है बारीक बारीक वो डाल देंगे. अरबी कई तरह से बनाई जाती है, सूखी भी बनाई जाती है, रसे वाली भी बनाई जाती है, मसाले वाली भी बनती है. बॉयल करके इसको स्नैक्स की तरह फ्राई करके भी खाया जाता है. प्याज हल्के गुलाबी हो गए हैं, अब हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे. और हरी मिर्च भी डाल देंगे. वैसे आप लोग अरबी कैसे बनाते हैं मुझे बताना. सूखी अरबी भी बिना बॉयल किए भी बनती है और काट करके वो बिना बॉयल किए भी बनती है और बॉयल करके भी बनती है.
सब्जी में फाइबर बहुत होता है। अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे। इसमें हमने थोड़ी सी चकुंदर काट कर डाली है, इससे सब्जी का रंग बहुत अच्छा आता है। नमक डालने से प्याज और टमाटर थोड़े अच्छे से भून जाते हैं। नमक आप लोग अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इसमें बाकी के सब मसाले भी डाल देंगे। गरम मसाला और चाट मसाला हम बाद में डालेंगे। अरबी को भी इसमें डाल देंगे और मसाला इसमें लिपट जाएगा अच्छी तरह से। अरबी को भी थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे क्योंकि हम रसे वाले बना रहे हैं। अब ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे और ये चाट मसाला और गरम मसाला डालेंगे। ये हमारी अरबी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगा। हरे धनिए से गार्निश करते हैं। इस तरह से बनाकर आप देखिए और फिर मुझे बताइए आपको कैसी लगी रेसिपी।